हमको देश से प्यार है, हमको देवभूमि से प्यार है, हम देवभूमि पर जो धार्मिक स्थल खड़े करके बहुत सारे स्थानों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, हमने उसको हटाने की बात कही है। अतिक्रमण किसी भी कीमत पर जो सरकारी भूमि पर है उसको हमने कहा है कि वो वैध नहीं हो सकता है। हम देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने नहीं देंगे, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया है। ये हमने कहा है कि जो ये इस प्रकार का अतिक्रमण है हम उसको हटाएंगे। अतिक्रमण के बहाने कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, हमको देश से प्यार है, हमको देवभूमि से प्यार है, हम देवभूमि पर जो धार्मिक स्थल खड़े करके बहुत सारे स्थानों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, हमने उसको हटाने की बात कही है। कांग्रेस उसको दुष्प्रचारित कर रही है और हम देवभूमि में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर जो सरकारी भूमि पर है उसको हमने कहा है कि वो वैध नहीं हो सकता है, ये हमने हटाया है। और इसमें कहीं से उस प्रकार के अतिक्रमण की बात नहीं है जो गोट हैं, खत्ते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पहले से 50 सालों से 100 सालों से बसे हैं, छोटा रोजगार करते हैं, उस पर हमारी हमेशा से हमारी सहानुभूति रही है। उनके नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, नजूल के भूमि के लोगों को हम पट्टे दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को समायोजित कर रहे हैं, तो ये दुष्प्रचार है, जनता इसको भली भांति समझती है। हम देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने नहीं देंगे, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया है, ये हमने कहा है कि जो ये इस प्रकार का अतिक्रमण है हम उसको हटाएंगे।